फकीर राम टमटा पिथौरागढ़ की गंगोलीहार विधानसभा से भाजपा के टिकट पर विधायक बने। फकीर राम टमटा का कारपेंटर से विधायक तक का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। फकीर राम टमटा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि गेंदुरा। सुनिए, हमारे साथ हैं फकीर राम टमटा जो गंगोलीहार से विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले कारपेंटर का काम करते थे, भाजपा ने विश्वास जताया, इस बार जीत कर आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, इस बार जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जो फिंगर की जनता की वो आपके पक्ष में पड़ी, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? धन्यवाद। जीत का श्रेय मैं गंगोलीहार की समस्त जनता को दूंगा और बहुत ही उत्साह से मुझे वोट पड़ा है, जनता ने वोट दिया, क्योंकि मैं एक गरीब घर से था। आज मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया तो मेरे जितने भी गरीब भाई थे सब ने वोट दिया। सर, जीत की राह इतनी आसान नहीं होती, चुनाव नतीजे आने तक कौन कौन सी चुनौतियां रही जो इस चुनाव में आपके बीच रही और कैसे उनका सामना कर पाए? देखिए, मैं बहुत लंबे पीरियड से मैं जनता के बीच में था, मैं जनता की दुख में, बीमारी में, शादी ब्याह में, अंत्येष्टि में, तमाम किस्म की मैं दुख में जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, हार को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब होली के बाद कांग्रेस हार की समीक्षा करेगी। होली का पर्व है और अविनाश पांडे जी मुझे लगता है कि वो 19-20 के लगभग वो उत्तराखंड में आएंगे, समीक्षा करेंगे सभी लोगों से जो प्रत्याशी थे उनसे भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सबसे राय शुमारी करके पता करेंगे कि आखिर हार का कारण क्या था। तो निश्चित तौर पर निकलेगा कि हम क्या वजह थी कि जनता कांग्रेस को चाहती थी, माहौल भी ठीक था, लेकिन आखिर हम क्यों हारे